थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, एक दो आपकी बुक में ही हैं और एक दो मैं लिखवाऊंगी, वो करवा रही हूँ. ठीक है, लिखो, पहले लिख लो क्वेश्चंस जो मैं अभी करवाऊंगी. एक तो जो मैं अभी कंसेप्ट करवाने वाली हूँ, दैट इज हाँ जी, जो अभी कंसेप्ट करवा रही हूँ बेटा, वो है आपका एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट्स विद गारंटी. पास्ट एडजस्टमेंट्स वो आज आपने कर लिया, वो क्लियर है विद गारंटी. तो कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस ही हैं जिसमें एडजस्टमेंट्स विद गारंटी आ सकता है आपका. ठीक है, तो राइट डाउन अ क्वेश्चन फर्स्ट, फिर मैं आपको बताऊंगी. आपके बुक में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लिखो. ए बी एंड सी आर पार्टनर्स. शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:3:3, 3:3:2. द डीड प्रोवाइड्स थ्री मैम क्या था रेशियो? इज टू 3:2. द डीड प्रोवाइड्स फर्स्ट सैलरी ऑफ 2,000 पर क्वार्टर. जो अभी आपने वो टेस्ट में लिया था वो है? नहीं, ये उसी चैप्टर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं. ये एक टॉपिक है, उसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स विद गारंटी गिवन हो. अगर आपको टेस्ट वाले, तो मैं पहले आपका देखूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अब. ठीक है, राइट डाउन अ क्वेश्चन. ए बी सी पार्टनर्स शेयरिंग 3:3:2. द डीड प्रोवाइड सैलरी ऑफ 2,000 पर क्वार्टर टू ए एंड बी. सी वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 8,000. बी वॉज गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम. The profit, next, profits of 1,50,000 were distributed in 2:2:1 without considering the above. पास्ट रेक्टिफाइंग एंट्री. तो इसमें गारंटी आ गई अब। इसमें देखो, सिर्फ आपका जो सी पॉइंट है वो एड ऑन हो गया गारंटी का. ठीक है ना, तो अब आपने क्या करना है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते हैं, दैट इज प्रॉफिट्स वापस लेंगे और सब वैसे करेंगे नॉर्मल. स्टार्ट करो, सिर्फ जब डिविजिबल प्रॉफिट्स करने के बाद आपको गारंटी वाला पोर्शन करना है. तो नॉर्मली पहले ए बी और डी का जो कंसेप्ट है वो आप एज इट इज ही करो. चलो करो स्टार्ट डूइंग, मैं भी यहाँ पे करती हूँ साथ ही.
तो सबसे पहले वैसे हम लोग बनाएंगे टर्म. आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पेज. आपके पास क्वेश्चन है ना सबके पास? हाँ जी. तो फर्स्ट थिंग हमने क्या किया, सैलरी दे देंगे हम, प्रॉफिट टेकन बैक करेंगे ना इसमें, सैलरी देंगे एबीसी को. कमीशन देंगे, प्रॉफिट्स टेकन बैक करेंगे. मैम मुझे ये बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सा प्रॉफिट का रेशियो सही है और कौन सा नहीं है. बेटा जो आपको ऊपर दिया है ना वो सही रेशियो है, जो मेन में दिया है, जिस जो प्रॉफिट्स के साथ दिया है वो रेशियो आपकी गलत है. अच्छा ठीक है. ठीक है तो सैलरी आपका एक एक क्रेडिट में चला गया 8,000. मैम हाँ जी. जो IOC was not taken into account था टेस्ट में, हाँ, तो उसे बस नॉर्मली क्रेडिट करना है ना. वो आपका एक क्वेश्चन था जिसमें आपको वो दिया हुआ था क्लोजिंग कैपिटल्स, वो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल्स निकालने थे. अब कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? उसमें आपको दिया हुआ था कि जो है वो कैपिटल्स जो है वो हाँ जी. आप दोनों लेट क्यों हो गए हो? हेलो मैम, मैं थोड़ा लेट हो गया. हाँ जरा लेट हो गया था, पेपर स्टार्ट करना है. तो पेपर बेटा बाद में कर लेते ना कंप्लीट. चलो जल्दी करो. अब ये प्रॉफिट्स हमने वापस ले लिए हैं इस रेशियो में 150, फर्म में क्रेडिट हो गए और पार्टनर्स में डेबिट हो गए. अब फर्म को हमने बैलेंस करना है और बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने. पहले से ये वाला एडजस्ट नहीं करेंगे? हाँ वो 50,000 वाला नहीं, गारंटी पहले नहीं करेंगे, पहले हम बैलेंस टू बी एडजस्टेड करेंगे. बैलेंस जब एडजस्ट किया तो हमारा कितना आया देखो, ये आ रहा है 1,26,000. इस साइड पे कम नहीं, 8,000 डेबिट में नहीं जाना चाहिए फर्म के? मैम कमीशन डेबिट होएगी ना. हाँ हाँ, तो 1,26,000 का बैलेंस आ गया आपका ना. इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, बैलेंस किस रेशियो में था, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, दैट इज 3:3:2. ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो कितना आ रहा है. हाँ जी ये देखो बेटा, दिस इज द क्वेश्चन. जो अभी जिन्होंने लॉग इन किया है, द पॉइंट जो हम कर रहे हैं जो वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स विद गारंटी. ठीक है जी. yes. तो इसमें आपका क्या हो गया, जो है वो गारंटी वाला भी आपका पॉइंट आ गया बीच में. वेट, एडजस्टमेंट्स के साथ आपका गारंटेड अमाउंट भी है इसमें. ये पॉइंट देखो, बी वाज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000, तो पास्ट एडजस्टमेंट्स के साथ गारंटेड अमाउंट है. ठीक है, क्वेश्चन अब बाद में नोट कर लेना देवम. यस मैम. हाँ जी समझ, सुन रहे हो? यस मैम. हाँ जी. अब देखो इसमें क्या हमने किया, नॉर्मल क्वेश्चन किया है, बैलेंस एडजस्ट कर लिए. बेटा कितने कितने आ रहे बताओ, ए का कितना आ रहा है 47,250 और बी का सेम, सी का 31,500. राइट, ये देखो यहाँ तक हम सबको ने क्वेश्चन किया हुआ है कि हमने फर्म को बैलेंस कर दिया और उसके बाद हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बट यहाँ पे बिफोर नेट इफेक्ट बी को कितनी गारंटी मिली हुई है, ही वॉज गिवन ए गारंटी ऑफ 50,000, बट उसके जो डिविजिबल जब हमने बैलेंस एडजस्ट किया दैट कम्स आउट 47,250. राइट, अब जो इसका डेफिशिएंट अमाउंट है वो कितना बन रहा है,
2750 इसको और मिल जाएगा, दैट इज वो क्रेडिट में चला जाएगा, और ये जो डेफिशिएंट अमाउंट है ये ए और बी की डेबिट्स में चला जाएगा, इसमें फर्म कुछ नहीं करेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक और लाइन लिख लोगे, डेफिशिएंसी ऑफ 2750 बॉर्न बाय एएनसी किस रेशियो में, 3:3 दैट इज इक्वली, नहीं सॉरी 3:2, क्लियर है सबको। नॉर्मल क्वेश्चन करने के बाद हमने क्या किया, हमने बी का जो अमाउंट जो बैलेंस है उसे देखा है, उसको हमने 50,000 के साथ कंपेयर करना है, उसका 2750 कम आ रहा है तो उसे और दे देंगे, तो उसका मिला के 50,000 हो गया। अब गारंटी में क्या करते हैं, ये जो अमाउंट है ये कौन बेयर करता है, बाकी के पार्टनर्स, है ना। तो 2750 बी में क्रेडिट हो रहा है तो ए और सी में वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में, कितना आ रहा है देखो, 1650 एंड 1100 बस। इसके बाद आपको नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है। किसी को ये पॉइंट नहीं क्लियर है तो बताओ, इसमें फिर आपका आ रहा है 6400 डेबिट, 2000 डेबिट एंड 8400 क्रेडिट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नॉर्मल क्वेश्चन किया बेटा हमने, नॉर्मल क्वेश्चन करने के बाद हमने जो बैलेंस है वो कंपेयर किया, जिसको गारंटी मिली हुई थी, जिस भी पर्सन को गारंटी मिली है उसके साथ हमने उसको कंपेयर किया है। कंपैरिजन के बाद आपके पास जो डेफिशिएंट अमाउंट आ रहा है वो बी में क्रेडिट हो गया, और ए और सी में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उस डेफिशिएंसी को डेबिट कर देंगे, उसके बाद वी कैलकुलेट नेट इफेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? श्योर? चलो गुड, वेरी गुड, ठीक है। दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन, आई थिंक एक ही क्वेश्चन है जो हम, आपने मेरे को उस दिन लास्ट क्वेश्चन भेजा था ना, उससे पिछला पेज मुझे एक बार भेज दो, ग्रुप में डाल दो, चाहे प्लीज सेंड मी द पेज जो बेटा लास्ट क्वेश्चन एक तो गारंटी वाला भेजा था ना, उससे पिछले वाला पेज। जन्नत भेजेगी। हाँ जन्नत भेजेगी, और कौन करेगा काम। हाँ बहुत बिजी हो आप लोग बेटा। हाँ मेरा फोन का कैमरा बहुत बंद है। अच्छा ठीक है, चलो टेस्ट करके मुझे अभी भेज देना देवम। आप पता नहीं, आई डोंट नो क्वेश्चंस आपके पास क्यों नहीं आए हैं, लेकिन प्लीज अभी कंप्लीट करके मुझे भेजना आफ्टर द क्लास। और अर्जुन आपका हो गया? यस मैम हो गया। हाँ मुझे भेज देना बेटा, ठीक है। Is this question clear to everyone? हाँ भाई, वही जन्नत पेज बताइए। 2.92। हाँ 2.92 कोई पिक भेज दो मुझे। हाँ भेज दे। थैंक यू बेटा। अब इसमें आपने ये जो सिमिलर क्वेश्चन है ये है आपका, क्वेश्चन ही सेम है आई थिंक ये। अच्छा आप लोगों करोगे 90th क्वेश्चन, 89 क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नेम चेंज है, फिगर सेम है सारी। 89 वी हैव डन, यू विल डू 90th क्वेश्चन, सेम इसी तरह का है, ठीक है। लेकिन इसमें दो पार्टनर्स को गारंटी मिली है, नहीं सॉरी आलिया को ही मिली है, सिर्फ एक ही पार्टनर को मिली है। तो विल यू बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन? तो दिस इज योर होमवर्क, यू विल डू 90th क्वेश्चन। अगर हमारे मेरे पास अभी क्लास में टाइम बच जाता है तो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, पर पहले और भी कंसेप्ट कर ले। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। सक्षम मैं ग्रुप पे डाल रही हूँ फोटो बेटा। ओके मैम। हाँ तो होमवर्क है क्वेश्चन 90। ठीक है, आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन लिखो। 25। हाँ जी, अब एक और कंसेप्ट करवा रही हूँ मैं। वरुण वी हैव डन वन कंसेप्ट, वो आपका मैं बाद में करवा देती हूँ, ठीक है।
सेकंड जो आपको कॉन्सेप्ट आ सकता है व्हेन चार्जेस आर गिवन, चार्जेस आर गिवन और यू कैन से दे आर ओमिटेड और चार्जेस आर गिवन इन पास्ट एडजस्टमेंट्स. जो पास पहले हमने किया है कि पास्ट एडजस्टमेंट्स में गारंटी भी गिवन है, अब हम लोग कर रहे हैं कि अगर आपको चार्ज भी गिवन है पास्ट एडजस्टमेंट्स में, चार्ज भी कह सकते हो और वो एप्रोप्रिएशन जैसे जनरल रिजर्व जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जनरल रिजर्व्स हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, आपका मैनेजर की कमीशन हो सकती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पार्टनर्स का एप्रोप्रिएटेड वैल्यू नहीं है, एप्रोप्रिएशन नहीं लेकिन कुछ चार्ज अगर आपका ओमिट हो चुका है जब वो पास्ट एडजस्टमेंट्स में गिवन है तो उसे हमने कैसे ट्रीट करना है. ठीक है, डू राइट डाउन वन क्वेश्चन फॉर दैट. ए बी एंड सी आर पार्टनर्स. With fixed capitals, ₹2 lakh, ₹1 lakh 60 thousand and ₹1 lakh 20 thousand. बेटा इस तरह के जो questions हैं. वो general reserves के बारे में लिखा है आपने. IOL, interest on loan. हाँ जी, मैं एक चीज रिपीट कर रही हूँ, सॉरी कह रही हूँ आपको नॉर्मली कि ये जो मैं आज questions करवा रही हूँ these are not regular type question. तो इन क्वेश्चंस को एग्जाम्स में आपने जरूर पढ़ के जाना है. बुक में भी एक आध क्वेश्चन ही गिवन है इस टाइप का. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो दीज क्वेश्चंस मस्ट बी इन योर नोटबुक जहां से आपने रिवीजन करनी है, वहां पे ये क्वेश्चंस आपके होने चाहिए. ये पॉइंट्स जो आज क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सारे 1,20,000 रिस्पेक्टिवली. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1. बुक में चाहे 89-90 को मार्क कर लो कि ये क्वेश्चंस आपको करने हैं क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट है. डीड प्रोवाइड्स आईओसी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, सैलरी टू ए 1500 पर मंथ एंड सी 1000 पर मंथ. मैनेजर्स कमीशन, अब इस मैनेजर कमीशन पे कुछ की जगह कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी जनरल रिजर्व, इट कैन बी इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट? मैनेजर कमीशन और इट इज 10,000. नेट प्रॉफिट for the year is 1 lakh. Past rectifying entry. You know how to treat IOC, you know how to treat salary. Manager commission firm में से क्या हो जाएगा, firm के account में क्या हो जाएगा? Firm के लिए manager commission is the loss. राइट, तो इट विल बी डेबिटेड, मैनेजर कमीशन डेबिट हो जाएगा. लेकिन पार्टनर, किसी भी पार्टनर के अंदर नहीं जाएगा ना ये, ना ये डेबिट होगा किसी पार्टनर में, ना ये क्रेडिट होगा क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड तो है नहीं. तो इस बेसिकली सिर्फ इस कॉलम का हम लोग, और यू कैन से जो आपका इंचार्ज है उसके लिए एक अलग से छोटा सा कॉलम बनाएंगे हम. राइट, गॉट इट? फाइन, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. चलो स्टार्ट करो. आईओसी दो, सैलरी दो, उसी तरह ए बी सी और फर्म. आईओसी दो एट द रेट ऑफ 5%, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और फर्म में भी डेबिट क्रेडिट. फिक्स्ड कैपिटल्स हैं तो 2 लाख पे 5% 10,000, 160 पे 5% 8,000 एंड 120 पे 5% 6,000. तो फर्म में कितना चला गया? 24,000. सैलरी देंगे हम 1500 पर मंथ है
18,000 उसके बाद 1,000 पर मंथ है 12,000 तो फर्म में चला गया डेबिट में 30,000 राइट. नाउ मैनेजर कमीशन. अब मैंने क्या बताया आपको मैनेजर कमीशन बिकॉज फर्म में डेबिट हो जाएगी. कितना है मैनेजर कमीशन आपका 10,000 तो उसके लिए आई फॉरगॉट टू मेक अ कॉलम और आप बाद में बना लो नहीं तो यहाँ पे नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा. सिंपली मैनेजर कमीशन को आप 10,000 डाल दोगे दैट इज वो पार्टनर्स में नहीं जाएगा वो एक्स्ट्रा आपका मैनेजर कमीशन अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा फर्म के मैनेजर कमीशन के नाम से. स्पेस ही नहीं है तो मैम. हाँ जी स्पेस नहीं है. स्पेस नहीं है तो यू कैन लीव इट ऑल्सो बट आपको फर्म में जरूर उसको डेबिट करना है. जरूरी नहीं है आपको मैनेजर कमीशन वो डालना है लेकिन फर्म में जरूर उसको शो करना है. फर्म मैनेजर कमीशन का आप अकाउंट नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है. बनाते हो तो भी ठीक है नहीं बनाओगे तो भी चलेगा लेकिन फर्म में जरूर डेबिट करना है उसको. ठीक है जी. लोन हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन तो उसका तो कोई और कॉलम बनेगा नहीं तो वो सिर्फ फर्म में जाएगा ना. उसका भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन बना सकते हो. यू कैन मेक द कॉलम इंटरेस्ट ऑन लोन का बना के उसमें डाल दो बस दैट्स इट. बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते हो. राइट क्लियर है सबको. हमने नॉर्मली जो भी आपका चार्ज है उसमें फर्म में उसको डेबिट करना है. प्रॉफिट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है किस रेशियो में हुआ है तो हम इसको छोड़ रहे हैं. वी आर लिविंग दैट प्रॉफिट. ठीक है बस अब आप निकालो बैलेंस निकालोगे फर्म का कितना आ रहा है क्रेडिट साइड पे आ रहा है. मैनेजर कमीशन में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना एक ही कॉलम बनना उसका बेटा. मैनेजर कमीशन में कोई कॉलम नहीं बनेगा सिंपली आप उसको सिर्फ मैनेजर कमीशन कॉलम में डाल दोगे. हाँ जी कितना आ रहा है बेटा 64,000. इस 64,000 को 3:1:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. करो कितना आ रहा है बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1:1. 38,400. ये पक्का 64 ही आ रहा है. 10,000, 8,000 ये आईओसी देखना ठीक है. 24 ही है. 2 lakh पे 5% 10,000. अच्छा चलो कितना आ रहा है 48,400 अब आप नेट इफेक्ट्स निकालोगे इनके. अब इस केस में नेट इफेक्ट्स वॉन्ट बी सेम क्योंकि उनमें जो डिफरेंस आ रहा होगा ना वो मैनेजर कमीशन का आ रहा होगा. ठीक है देखो अब कितना कितना आ रहा है आपका नेट प्रॉफिट 10,400 डेबिट 4,800 डेबिट एंड 5,200 क्रेडिट. यही आ रहा है सबका देखो 10,400 डेबिट 800 डेबिट एंड 5,200 क्रेडिट. इज इट क्लियर टू एवरीवन यहां तक बट वी हैव डन एवरीवन. यस मैम. चलो तो हमने देखो सिंपली क्या किया जो आपके पास चार्ज था उसको हमने सिंपली फर्म में से डेबिट कर दिया और वो डेबिट ही होगा क्योंकि वो आपके लिए एक्सपेंस है. ठीक है और उनमें अब जो लास्ट बैलेंसेस हैं वैसे अभी तक ये सेम आते थे बट अब ये डिफर करेंगे विद द अमाउंट ऑफ मैनेजर कमीशन. नाउ देयर विल बी चेंज इन द जर्नल एंट्री ऑल्सो. नाउ वो जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन दिस केस. और मैनेजर की कमीशन आपके लिए एसेट है कि लायबिलिटी.
लायबिलिटी, इसलिए वो क्रेडिट हो गई. देखो टू मैनेजर्स कमीशन को जो भी आपका चार्ज होगा बिकॉज यू हैव टू पे दैट चार्ज, तो वो चार्ज जो है आपकी जर्नल एंट्री में, एडजस्टिंग एंट्री में वो क्रेडिट हो जाएगा, देन योर बैलेंस विल बी सेम. इज इट क्लियर? सिंपली अब हमने क्या इसमें स्टेप्स फॉलो किए हैं, व्हेन चार्ज इज गिवन, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया है, डेबिट द चार्ज इन फर्म्स अकाउंट. बस सिंपली हमने सिर्फ फर्म्स अकाउंट में उसको डेबिट किया है. डू नॉट शो इन एनी पार्टनर्स अकाउंट, ये स्टेप पहला था हमारा. आप उसका अगर कॉलम बनाना चाहते हो वेल एंड गुड. और दूसरा इफेक्ट उस चार्ज का कहाँ आएगा, इन जर्नल एंट्री इट विल बी डेबिटेड, इट विल बी क्रेडिटेड, इट विल बी शोन एज क्रेडिट आइटम. इज इट क्लियर? आई एम नॉट श्योर कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन. हाँ जी अर्जुन क्लियर है बेटा? यस मैम. अच्छा इस टाइप का आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन गिवन है बेटा आपका इसमें. हाँ बट यहाँ तक मुझे याद है स्कैनर बुक में, स्कैनर निकालो, स्कैनर के लास्ट क्वेश्चन में इस तरह का एक क्वेश्चन गिवन होगा, तो वो आप बाद में देख लेना. इन द बुक एट द लास्ट स्कैनर इज गिवन. उस स्कैनर को जब आप खोलोगे उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस गिवन है जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो उसमें आपको शायद एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा. अदरवाइज कंसेप्ट इज क्लियर? यस. चलो गुड. हाँ जी अब आप लोगों को मैंने जो भेजी है ग्रुप पे पिक भी भेजी है, उसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 88. We are going to do question number 88. Everyone has the book? So, Garhiwal ki book ka question number 88. Again, mark this question. So, aapke liye 88, 89, 90, 91. Ye wo questions hain jo routine wale nahi hain, thode se hatke hain. To inko revise jarur karna hai. Mark kar lo inko. Haan ji, see. अंकुर, भवन एंड दिशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म. तो हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं? अंकुर, भवन एंड दिशा. इट इज क्वेश्चन ऑफ गारंटी विद सम चेंजेस गिवन, विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन. ऑन 1st April 2019 देयर कैपिटल स्टूड एज अंकुर इज 14 lakh, भावना है आपका 6 lakh और दिशा की है 4 lakh, राइट. दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन 7:3:2 रेशियो. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. एंड सैलरी टू भावना है आपके पास कितनी, 50,000 पर एनम. और सैलरी टू भावना 50,000 एंड कमीशन ऑफ 300 पर मंथ टू दिशा. तो 300 × 12 की उसको कमीशन मिल रही है. 3,000 पर मंथ. हाँ जी तो 36,000 हो गई उसकी कमीशन. दिस इज गिवन. नाउ मैम किसकी कमीशन है ये? दिशा की बेटा. देखो दिशा के अंदर मैंने लिख दिया है 36,000 की कमीशन मिलेगी, भावना को 50,000 की सैलरी मिल रही है, आईओसी का रेट गिवन है. भावना नाउ जो मैं लाइन पढ़ रही हूँ उसको ध्यान से सुनना. भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी. अभी तक हम जो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेते हैं वो एक्सक्लूडिंग ही लेते हैं. भावनाज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी. मैं फिर से कह रही हूँ हम एक्सक्लूडिंग ही लेते हैं. एक्सक्लूडिंग आईओसी इज गारंटेड ऑफ नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम. तो भावना का जो गारंटेड शेयर है वो आपके पास है 1,70,000 एक्सक्लूडिंग. एक्सक्लूडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग अभी तक गारंटी के जो क्वेश्चन किए उसमें हमने आईओसी को कुछ कभी किया नहीं, ठीक है.
उसके बाद है दिशाज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन इंक्लूडिंग, दिस इज नाउ इम्पॉर्टेंट, इंक्लूडिंग आईओसी है तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी, वो मैं अभी बताती हूँ कैसे करेंगे. एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, इट इज गारंटेड नॉट लेस देन 1,50,000. Any deficiency on account of this shall be met by Ankur. Profit of the firm is 9,50,000. और जो आपकी deficiency है वो Ankur ने bear करनी है simply. ठीक है. Now मैंने सारा crux लिख दिया है. Let us make profit and loss appropriation account. प्रॉफिट्स कितने गिवन है हमें? 9,50,000. आईओसी गिवन देंगे हम अंकुर, भावना और दिशा को. कितना परसेंटेज है? 6%. तो 14 लाख पे 6% इट कम्स आउट 84,000. 6 लाख पे 6% 36,000. 6% ऑफ 4 लाख इज 24,000. राइट. आईओसी गिवन. उसके बाद हमने देनी है सैलरी टू भावना. इट इज 50,000 पर एनम. उसके बाद हमने देना है कमीशन टू दिशा. That is 36,000. जो नॉर्मल हमने गारंटी में नॉर्मली जो चीजें दे दी, ये चीजें दे दी हमने, आईओसी दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी. राइट. नाउ वील डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स. नॉर्मली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड अंकुर, भावना और दिशा को. अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आपके वर्किंग नोट्स जो बनते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. 950 में से सब डिस्ट्रीब्यूट निकाल के बताओ कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है इनका. हाउ मच प्रॉफिट इज लेफ्ट? 7,20,000. Yes, 7,20,000 will be distributed among Ankur, Bhavna and Disha in 7:3:2 ratio. Decimals में आ रहा है? नहीं नहीं. 7/12 हो जाएगा ना. तो 4,20,000 A को मिल रहा है, 1,80,000 B का है और 1,20,000 C का D का है. यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? अभी तक मैंने ये डेफिशिएंसी वाला पॉइंट नहीं किया है. यहाँ तक पहले मुझे ये बताओ, इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? नॉर्मल क्वेश्चन किया मैंने. यस मैम. चलो अब देखो, भावना का जो अमाउंट है, जो उसको गारंटी मिली है, वो है 1,70,000 और ऑलरेडी उसका 180 हमारे पास आ रहा है. तो ये तो हमारे लिए बस खत्म हो गई, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि उसकी कोई डेफिशिएंसी आ ही नहीं रही है ना. उसे गारंटीड मिली थी 170 की, लेकिन उसका प्रॉफिट ऑलरेडी 180 आ रहा है, तो वो डेफिशिएंसी नहीं हुई. डेफिशिएंसी कब होती है? व्हेन प्रॉफिट्स आर लेस. राइट. अब आ जाओ दिशा की तरफ. एक और चीज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक्सक्लूडिंग वर्ड इसमें हमें एक्सक्लूडिंग वर्ड से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग अभी तक जितनी भी गारंटी की है हम सिर्फ इनको देखते हैं, हम ऊपर जाते नहीं थे जो ऊपर आइटम्स थी. लेकिन अगर वहां पे इंक्लूडिंग वर्ड आ जाता है आपका, जैसे इस केस में आया हुआ है इंक्लूडिंग, देन वी हैव टू कंसिडर दिस. Is it clear to everyone? If including word, including any appropriation is given in the question, guarantee question, then we have to consider that appropriation. Now how to consider it? हमारे पास यहाँ पे मैं कर रही हूँ, देखो हमारे पास दिशा का प्रॉफिट कितना आ रहा है? दिशा का प्रॉफिट है 120, राइट? ये देखो, फाइन. अब इसमें हमने ऐड करना आईओसी, जो उसने इंक्लूडिंग वर्ड दिया है ना उसे हमें इंक्लूड करना है उस प्रॉफिट में. दिशा का ही आईओसी सिर्फ,
24,000. आई एम अगेन रिपीटिंग कि अगर आपको जो भी अप्रोप्रिएशन इंक्लूड करने के लिए बोला है, हमें उस प्रॉफिट उसका वही अप्रोप्रिएशन उसके प्रॉफिट में इंक्लूड कर देनी है. अब ये कितना आ रहा है आपका, 1,44,000, ठीक है, लेकिन गारंटी कितने की है, 150, तो 6,000 आपका डेफिशिएंसी है इस केस में, और डेफिशिएंसी बॉर्न बाय अंकुर. तो देखो जो लाइन उसने लिखी हमने वही की है. हमने क्या किया, दिशा प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी, तो हमने वही किया, दिशा के प्रॉफिट में इंक्लूड कर दिया आईओसी, फिर उसको हमने गारंटीड अमाउंट के साथ कंपेयर करना है, ठीक है. अब ये जो 6,000 की डेफिशिएंसी है, सिर्फ यही आप इसमें ऐड करोगे, ओनली दिस, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें सिर्फ डेफिशिएंट अमाउंट ऐड करना है और अंकुर में से डेफिशिएंट अमाउंट डिडक्ट करना है. ये आपका पूरा वर्किंग नोट में दिखाना है आपको, यहाँ पे देयर विल बी नो चेंज इन द अमाउंट्स, ठीक है. तो ये आपका बन गया 1,26,000 दिशा का प्रॉफिट, बी का 1,80,000 एंड 4,14,000 ए का बन गया. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सिंपली व्हाट वी डू, जो भी उन्होंने अप्रोप्रिएशन इंक्लूड करने के लिए बोली है, हमने पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, नॉर्मल करके सिर्फ ये जो वर्किंग नोट में दिखाना है कि उसके प्रॉफिट में उस अप्रोप्रिएशन को इंक्लूड करने के बाद वी विल कंपेयर इट विद द गारंटेड अमाउंट, ठीक है. We'll compare it with the guaranteed amount. और उसके बाद अगर deficiency आती है तो हम लोग उसको bear करेंगे. Is it fine? Everyone is clear? ठीक है. Please mark these questions 88, 89, 90, 91, 87 question you have to do as homework. 87 question आपको homework करना है. ये सेम ऐसा ही है जो मैंने अभी करवाया है. क्वेश्चन नंबर 87 आपको होमवर्क की तरह करना है. मैं लिख रही हूं साथ में, ये आपको क्वेश्चंस करने हैं. क्वेश्चन नंबर 85 मैं नहीं करवा रही हूँ, इट्स नॉट स्पेशली रिटन इन द करिकुलम कि मैनेजर वाला क्वेश्चन आता है. अगर किसी के स्कूल में होगा तो वी विल डू. अभी तक मैंने कभी भी नहीं हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, तो 85 को फॉर द टाइम बीइंग हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है जी. हाँ जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर. अच्छा एक मिनट बेटा, लेट मी सी. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 62 मैंने बोला था ना कि विल डू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 62 सक्षम मैंने भेज दिया है ग्रुप में. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 62 आपको गिवन है. सिमरत एंड बीर आर अ पार्टनर्स इन 3:2 रेशियो. ऑन 31st March 2020 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बट इट मींस कि ये आपके जो कैपिटल्स हैं ये क्लोजिंग है. वेरी गुड. तो क्लोजिंग कैपिटल्स आपको कितनी दी हुई हैं सिमरत और बीर की, 4,80,000 and 6,00,000, ठीक है जी. ऑन 1st May 2019 सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल. 1st May को सिमरत ने, ये आपका सिमरत है और ये है बीर,
सिमरत ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी कितनी 1,20,000 की. दिस इज द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड बीर विड्रू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल. तो ये उसकी ड्रॉइंग्स थी आउट ऑफ कैपिटल वाली, दैट इज परमानेंट ड्रॉइंग्स. ठीक है. ऑन 1st October 2019 सिमरत व्यू फॉर 1st October को सिमरत ने विड्रो किया है फ्रॉम हर कैपिटल 2,40,000. तो ये आपकी परमानेंट ड्रॉइंग्स हैं इसकी विड्रॉल फ्रॉम नॉर्मल ड्रॉइंग्स है. परमानेंट ड्रॉइंग्स कैपिटल में से निकाली जाती हैं. जो नॉर्मल ड्रॉइंग्स जो अभी तक हम ट्रीट कर रहे हैं ना वो कैपिटल से नहीं निकलती, वो प्रॉफिट्स में से निकलती हैं. उससे कैपिटल कम नहीं होता है आपका. ठीक है. और सिमरत विड्रू 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस 3,00,000. दिस इज द एडिशनल कैपिटल. आईओसी है 6%. सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस दैट आईओसी वॉज ओमिटेड. प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,40,000. प्रॉफिट्स हैं हमारे पास 240. और नॉर्मल ड्रॉइंग्स हमारे पास हैं. देखो नीचे, अब देखो जन्नत, नॉर्मल ड्रॉइंग्स भी गिवन है. पार्टनर्स ड्रॉइंग्स आर सिमरत 120 और बीर 60. तो दीज आर द नॉर्मल ड्रॉइंग्स. इनका हमारी कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है जी. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगता है. हाँ, इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगता है. और ये जो ड्रॉइंग्स होती हैं ये हमारे आईओसी को इफेक्ट करती हैं. मैं फिर से परमानेंट ड्रॉइंग्स और दूसरी ड्रॉइंग्स में डिफरेंस बता रही हूँ. यू मस्ट बी क्लियर. जो परमानेंट ड्रॉइंग्स होती है वो कैपिटल को कैपिटल से निकाली जाती हैं. लेकिन जो नॉर्मल ये वाली ड्रॉइंग्स जो है ना ये हमारे नॉर्मल कहाँ से निकलती हैं, प्रॉफिट्स में से. तो इससे आपके प्रॉफिट्स इफेक्ट करते हैं. परमानेंट ड्रॉइंग्स आपके आईओसी को इफेक्ट करते हैं. उससे आपका जो है कैपिटल आईओसी इफेक्ट होता है. लेकिन इन ड्रॉइंग्स के ऊपर आईओडी लगता है जो नॉर्मल ड्रॉइंग्स हैं. अब हमने आईओसी कैलकुलेट करना है 6%. ठीक है. और उसने लिखा है कंप्यूट आईओसी इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड. ए पार्ट है अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मान के चल रहे हैं और बी पार्ट है अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के चलते हैं. हाँ, तो फिक्स्ड कैपिटल में सिर्फ हमारा कैपिटल किन से इफेक्ट हो रहा है, इन चीजों से. प्रॉफिट से इफेक्ट नहीं होता है, इन ड्रॉइंग से इफेक्ट नहीं होता है. क्योंकि फिक्स्ड में हम लोग क्या करते हैं, दो अकाउंट्स बनाते हैं ना. एक बनाते हैं करंट अकाउंट और एक बनाते हैं नॉर्मल कैपिटल अकाउंट. तो फिक्स्ड, अगर हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो यूर कैपिटल्स दे आर नॉट इफेक्टेड बाय प्रॉफिट्स और ड्रॉइंग्स. फ्लक्चुएटिंग में सब चीजों से इफेक्ट होते हैं. तो मैं पहले देखो फिक्स्ड लेके कर रही हूँ, पहले इसको समझ लो. व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे काम क्या है, हमें ओपनिंग कैपिटल्स कैलकुलेट करना है ना आईओसी के लिए. ठीक है. उसके लिए हमें रिवर्स चलना है. ठीक है. तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. सिमरत और वीर की क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे पहले. कितनी है इनकी, 4,80,000 एंड 1,20,000. ठीक है. उसके बाद 1st May को क्या किया इसने, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की. तो आप नॉर्मली ये इस तरह से कर लो. एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी है, 120. ये क्या होगी इसमें, क्लोजिंग कैपिटल में से क्या होगी एडिशनल कैपिटल, प्लस या माइनस? माइनस. रिवर्स चलना है ना हमने. और इसकी एडिशनल कैपिटल कितनी है, 3,00,000. और जो ड्रॉइंग्स हैं परमानेंट ड्रॉइंग्स हैं वो हम लोग ऐड कर देंगे इसमें. कितनी है परमानेंट ड्रॉइंग्स, 2,40,000 वो ऐड हो गई इसकी. और उसकी परमानेंट ड्रॉइंग्स हैं 60,000. अच्छा ये मैंने गलत लिखा ना, अमाउंट 6,00,000 था. तो ओपनिंग कैपिटल्स आपके पास आ गई. फोर एट्टी में सिंपली 120 ऐड कर देंगे, 6,00,000.
और इसमें 6 लाख में 240 माइनस कर देंगे, हाँ जी ये देखो यहाँ ये क्लियर है सबको कैसे हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किए हैं। जब फिक्स्ड कैपिटल्स थी देखो मैंने इसमें प्रॉफिट्स को नहीं माइनस किया है और ड्राइंग ये वाली ड्राइंग्स को भी ऐड बैक नहीं किया है क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल में हम सिर्फ इन चीजों को कंसीडर करते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और परमानेंट ड्राइंग्स। क्लियर है सबको? हाँ जी यस मैम। धनंजय यस मैम। देवम, वरुण यस मैम। अच्छा अब हमने आपके पास ये ओपनिंग कैपिटल है और आपको डेट्स भी गिवन है तो आपको याद है हम आईओसी कैसे लगाएंगे? मंथ्स के अकॉर्डिंगली है ना। चलो फिर कैलकुलेट करो, पहले सिमरत का करते हैं आईओसी। सिमरत की ओपनिंग कैपिटल है 6 लाख, तो 6 लाख के ऊपर कितने परसेंट है? 6% उसने सेकंड ट्रांजैक्शन की है मई में, तो कितने मंथ्स का लगेगा? हाँ कितने मार्कर है ये अगर आएगा तो 6 मार्कर में आएगा। हम 11/12 क्योंकि उसने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वो 1 मई को किया है तो सिर्फ अप्रैल मंथ का लगेगा। अब 6 लाख के बाद उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1,20,000, तो आपकी नई कैपिटल बन गई 7,20,000 ऐड हो गई ना इसमें। अब ये कितने मंथ्स का लगेगा? उसके बाद अक्टूबर में ट्रांजेक्शन हुई है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 मंथ्स का। उसके बाद उसने 240 विड्रॉ कर लिया तो आपके पास रह गया 480 पे अब कब तक लगेगा? अक्टूबर से लेके मार्च तक। ये देखो ये सिमरत का आईओसी कैसे कैलकुलेट किया, जो आपके पास ओपनिंग कैपिटल थी उस पे लगाया, सब पे 6% लगाए, लेकिन आपको ये देखना है कि वो कैपिटल से लेके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब की है। तो दो डेट्स की ट्रांजेक्शन है, एक है 1 मई और एक है 1 अक्टूबर। तो 1 मई तक 1 महीना बना, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर तक 5 मंथ्स, फिर उसके बाद रिमेनिंग 6 मंथ्स। सिमिलर वे से हम लोग इसकी कैपिटल आईओसी कैलकुलेट करेंगे बीर का। 360 पे पहले 6% लगाएंगे 1 मंथ का, फिर उसके बाद उसने 60,000 ड्रॉइंग्स की है तो 3 लाख पे लगा देंगे 5 मंथ्स का, फिर 6 लाख पे लगाएंगे 6 मंथ्स का। इज इट क्लियर? मैं एक बार फिर से बताना। हाँ जी ये देखो ये आपने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली ना। हाँ। इस पे आपने 6% लगाया, अब ये ओपनिंग कैपिटल है आपकी 1 अप्रैल और उसने उसके बाद दोनों ने ट्रांजैक्शंस कब की हैं? एक की है 1 मई को, एक की है 1 अक्टूबर को, है ना। तो 6 लाख पे आपका 1 मंथ का लग जाएगा क्योंकि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 1 मई, 1 महीना हो गया। उसके बाद 1 मई से 1 अक्टूबर तक 5 मंथ्स हो गए। यस मैम। उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद 6 मंथ्स रह गए और साथ ही साथ कैपिटल्स भी चेंज होती गई क्योंकि उस यहाँ पे उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी और यहाँ पे उसने विड्रॉल किया था। ये देखो लिखा हुआ है ना मैंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉल क्वेश्चन में गिवन है। सेम वे से हम बीर की कैलकुलेट करेंगे कैपिटल। ठीक है अब आ जाएगा फ्लक्चुएटिंग केस। ये मैंने फिक्स्ड किया है। फ्लक्चुएटिंग में आपने ये जो प्रॉफिट्स हैं ये भी इसमें से माइनस करने हैं। ये तो करना ही करना है, आपको ये तो करना ही है। इन एडिशन टू दिस व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल्स इन प्रॉफिट्स को 3:2 रेशियो में माइनस करेंगे और ये वाली ड्रॉइंग्स भी ऐड बैक करेंगे। तो सब कुछ एडजस्ट करना होता है जब हम फ्लक्चुएटिंग निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है जी?
और मंथ्स फिर ऐसे लगेंगे 1/12, 5/12, 6/12. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में ये जो हमने एडिशनल और परमानेंट ड्रॉइंग्स की हैं ये तो करना ही है. एट द सेम टाइम जो हमने ये प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 2,40,000 के, ये प्रॉफिट्स भी हम लोग वापस लेंगे. ठीक है, वापस लेंगे मतलब प्रॉफिट्स हम लोग माइनस करेंगे. तो मैं इसको जैसे अगर मैं आगे करके बता रही हूँ, ये आपके जैसे 6 लाख आया था पीछे बेस, 6 लाख तो आएगा, स्लाइस करोगे आप प्रॉफिट्स. ठीक है, प्रॉफिट्स जैसे आपके पास कितने हैं इस क्वेश्चन में, 2,40,000. 2,40,000 को 3:2 में हम वापस ले लेंगे तो कितना बनेगा. हमने एक पे आईओसी के मंथ पे लगाया है. हाँ जी बताओ, एक मिनट में पीछे जा रही हूँ. हाँ बताओ धनंजय. जो आईओसी कैलकुलेट किया है वहाँ, हाँ वो तो सिर्फ एक की नहीं है. हाँ एक का है ना, दूसरे का खुद ही करोगे ना बीर का. ये 360 से शुरू करके जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे आपने सेम वैसे ही करने हैं. कर लोगे ना कि करवा दूं बीर का भी? नहीं, एडिशनल कैपिटल और फिर क्या करना है लास्ट में? ड्रॉइंग्स माइनस कर देंगे हम. ओके, लेकिन देखो नहीं, बीर के केस में पहले उसने ड्रॉइंग्स की है फिर एडिशनल कैपिटल की है. तो पहले आप 60,000 माइनस करोगे 360 में से इस केस में, फिर 3 लाख ऐड करोगे. पहले ड्रॉइंग्स की है फिर एडिशनल कैपिटल किया है उसने. ठीक है जी, क्लियर है? मैम ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है. हाँ, अरे मुश्किल क्यों है, कंसेप्ट क्लियर नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हुआ क्या, कैसे किया हमने? इसमें निकालना क्या है? इसमें हमने आईओसी निकालना है. ये जो आपका ये यहाँ पे आईओसी आएगा ना, ये ही आंसर है आपका. अच्छा, हम इतनी देर से कर क्या रहे हैं? आईओसी क्यों निकाल रहे हैं? आईओसी तो बोला उसने, कैलकुलेट आईओसी. एक्चुअली क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है कि हमें क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है और आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल्स पे लगता है. ये तो आपको क्लियर है ना, ये चीज तो क्लियर है. है ना, तो ओपनिंग कैपिटल्स निकालने के लिए उसने दो मेथड दे दिए कि अगर फिक्स्ड बेस है या फ्लक्चुएटिंग है. तो फिक्स्ड में हमें प्रॉफिट्स और जो नॉर्मल ड्रॉइंग्स है उनको कंसिडर नहीं करना होता ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए. राइट, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द प्रॉफिट्स एंड नॉर्मल ड्रॉइंग्स. हमें सिर्फ एडजस्ट क्या करना है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और परमानेंट ड्रॉइंग्स, उससे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स निकल आएंगे. अब क्योंकि उसने डिफरेंट कैपिटल्स इंट्रोड्यूस की हैं, ड्रॉइंग्स की हैं, तो ऑब्वियसली आपका आईओसी भी तो उसी टाइम उसी अकॉर्डिंगली लगेगा ना, मंथ्स के अकॉर्डिंगली. ठीक है, अब जब उसने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स ले ली हैं, फ्लक्चुएटिंग में ये चीजें तो करनी है हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए. एट द सेम टाइम हमें प्रॉफिट्स और ड्रॉइंग्स, ये वाली ड्रॉइंग्स को भी जो है एडजस्ट करना है, फिर हम आईओसी कैलकुलेट करेंगे. राइट, जैसे अब देखो यहां तक हमारे पास 60,000 आ गया है, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग चलेंगे तो हम इसको प्रॉफिट्स भी एडजस्ट करेंगे. दैट इज प्रॉफिट्स में माइनस करेंगे और ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे. ये जो आपके पास 120 और 60 है, फिर आपके पास ओपनिंग कैपिटल्स निकलेंगे उस केस में. तो ओपनिंग कैपिटल्स विल चेंज इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स. तो फ्लक्चुएटिंग का है? दो है ना, आप लोग कैलकुलेट क्वेश्चन पढ़ोगे ना, नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट. फर्स्ट पार्ट हमने ये फिक्स्ड किया है, मैंने अभी फिक्स करवाया था आपको. फ्लक्चुएटिंग में भी आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है. उस केस में ये चीजें तो आपको होंगी, बट एट द सेम एट दैट टाइम आपको प्रॉफिट्स और ड्रॉइंग्स भी एडजस्ट करने हैं. नेक्स्ट क्लास प्रॉफिट सबट्रैक्ट ड्रॉइंग्स ऐड. सॉरी, हाँ जी, हाँ प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट ड्रॉइंग्स ऐड. और जो प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हम लोग उसी में करेंगे 2,40,000 को 3:2 रेशियो में. फिर जो आपके पास ओपनिंग आएगा फिर उसमें इसी तरह से आईओसी कैलकुलेट करोगे. दैट इज एडिशनल कैपिटल ऐड करोगे और जो है ड्रॉइंग्स माइनस करोगे.
वो सेम चलेगा आपका, बट आपकी जो ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन है सिर्फ वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, ट्राई करना. आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन दोनों पार्ट्स का, एक बार भेज दूंगी 62 क्वेश्चन का. फाइन, ठीक है. और ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इसके साथ की एक इलस्ट्रेशन होगी. अगर आपके पास बुक्स है ना बेटा, तो ऐसे ही सेम इलस्ट्रेशन होगी पीछे. जो मैंने ये 62 क्वेश्चन करवा रही हूँ, सेम ऐसे ही इलस्ट्रेशन है पीछे आपके पास. तो वो उस इलस्ट्रेशन को देखना, और मैं इसका आपको इसका भी भेज दूंगी, सोल्यूशन भेज दूंगी. और जो मैंने क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं वो करना आप लोग. तो मोस्ट प्रोबली वेडनेसडे को आई विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस चैप्टर, और अगर मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन आया तो पहले हम उसको करेंगे, फिर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुरू करेंगे. इस टॉपिक में इतने ही कॉन्सेप्ट्स थे, इस चैप्टर में इतने ही कॉन्सेप्ट्स थे. किसी को कोई डाउट होगा प्लीज गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट. जैसे मैंने पास्ट एडजस्टमेंट्स का टेस्ट अभी मैं देखती हूँ. वरुण आप भी भेज देना बेटा इफ यू हैव डन द टेस्ट. और जो गारंटी वाला पोर्शन है उसका टेस्ट हम लोग अब मैं रखूंगी फ्राइडे को. सेम ऐसे ही बिफोर द क्लास आई विल सेंड यू द टेस्ट शीट. तो फ्राइडे यू विल बी हैविंग टेस्ट ऑफ गारंटी विद दीज एडिशनल क्वेश्चंस जो आज किए हैं. 62 को छोड़ के, चलो 62 को छोड़ के, इस टाइप का क्वेश्चन छोड़ के जो बाकी के मैंने गारंटी वाले क्वेश्चन करवाए हैं वो पूरा गारंटी पोर्शन टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे. ठीक है, 45 मिनट वो देखूंगी बेटा. आज तो मैं बता दूं किस तरह से, आज तो क्वेश्चन शॉर्ट थे, अब उसमें देखते हैं कैसे आएगा. डू द क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी डाउट, वेडनेसडे को हम लोग डाउट क्लियर करेंगे. राइट, ओके ओके, एंड डू द क्वेश्चंस प्लीज एंड सेंड मी द टेस्ट आंसर्स भेज देना मुझे. मैम वो बता दो मैंने क्या मिस किया था. हाँ हाँ मैं बता देती हूँ आपको. हम जाए ना, हाँ हाँ जिनका हो गया वो जाओ. हाँ वरुण ये देखो, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक था कि पास्ट एडजस्टमेंट जब गारंटी के साथ हो. आपके पास पास्ट एडजस्टमेंट तो आपने किया है, साथ में सी पॉइंट देखो, इसमें गारंटी गिवन है. बी वाज गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 50,000, तो एडजस्टमेंट्स में ही गारंटी गिवन है ना. तो उस केस में हमने क्या कर रहा है देखो, सॉरी नॉर्मल क्वेश्चन किया, कमीशन वट एवर वी डू वो हमने किया. डिस्ट्रीब्यूशन तक सेम रहा, ये देखो बैलेंस टू बी एडजस्टेड तक सेम रहा. जब हमने बैलेंस को एडजस्ट किया नॉर्मल क्वेश्चन में, तो हमने ये देखा कि बी की गारंटीड अमाउंट कम आ रहा है. वो उसको 50,000 की गारंटी मिली थी ना, और उसको उसको उसका जो डेफिशिएंसी आ रहा है वो है 2750. ठीक है, तो 2750 की जो डेफिशिएंसी है उसको हमने उसको दे दिया, तो वो क्रेडिट हो गया विद 50,000. और इस 2750 को हमने ए और बी में, फर्म में कुछ नहीं हुआ इसका, सिर्फ ए और बी, ए और सी में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 रेशियो में. दैट इज बी में क्रेडिट हो गया, ए और सी में डेबिट हो गया, और उसके बाद हमने नेट इफेक्ट्स फाइंड आउट किए. अच्छा ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1991 इसी पे बेस्ड है. तो आप करना इसको एक बार, कोई डाउट होगा तो फिर पूछना. ओके राइट.